ये देखो के ड्रामा के काफी शूट्स यहाँ पे हुए हैं नामी आइलैंड में, बेसिकली इसी लोकेशन पे हुए हैं। वेरी गुड, इंडिया का खाना वेरी टेस्टी ऑलवेज। देख लो कोरियन ट्रेडिशनल घर ऐसे कुछ होते थे। हाना, हाना। कोई तो के ड्रामा शूट का फेमस रहेगा ये पोजिशन। हाँ आ जाओ आ जाओ। Where are you from? I'm from India. Oh, wow. A very good morning मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए दिन में और एक नए ट्रैवल एपिसोड में इस कोरिया सीरीज के। इस वक्त अपने हॉस्टल से हम निकल चुके हैं, सुबह का माहौल है, सुबह के 8 बजे जी, और जा रहे हॉन्गकॉन्ग यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पकड़ने नहीं जी, बस पकड़ने। जी हाँ, आज हम डे टूर करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सा आइलैंड जिसका नाम है नामी आइलैंड, जो कि नदियों के बीच में बसा हुआ छोटा सा प्यारा सा आइलैंड है जो कि सोल सिटी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सो आज सुबह से लेकर शाम तक हम नामी आइलैंड नामी आइलैंड और अगल बगल उसके जो बेहतरीन से गार्डन है वो एक्सप्लोर करने वाले है। कहने का मतलब है सोल सिटी के बाहर आज से हम एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे थे। हेलो नमस्ते, आदाब सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। तो भाई साहब, पूरे 2 घंटे की ड्राइव कंप्लीट करने के बाद ये हम पहुंच चुके हैं नामी आइलैंड के इलाके में। जी नहीं, नामी आइलैंड में अब तक पहुंचे नहीं है, नामी आइलैंड के इलाके में। नामी आइलैंड तो बेसिकली नदी के बीच में एक आइलैंड है जो ग्योंगीदू और गंगवानदू, ये दो क्षेत्र, ये दो प्रोविंस के बीचों बीच सटा हुआ है। फिलहाल हम आए हैं मॉर्निंग ऑफ काम नामक एक गार्डन में, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार गार्डन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बींग एन इंडियन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह भी है। इसका कारण ये है कि मॉर्निंग ऑफ काम, ये जो नाम है ना इस गार्डन का, ये रखा गया था किनके याद में पता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की याद में। जी हाँ, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साउथ कोरिया को डिस्क्राइब किया हुआ है मॉर्निंग ऑफ काम के नाम से, जिसके कारण 1966 में जब ये गार्डन बना था ना, तब इस गार्डन का भी नाम मॉर्निंग ऑफ काम रखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के याद में। और ये हमने एंट्री मान ली है इस गार्डन में। बता दूं इसकी एंट्री फी है 11,000 वॉन, यानी कि तकरीबन हो गया $9। लेकिन मैंने कोई एंट्री टिकट ली नहीं है। इसका कारण ये है कि इसकी एंट्री टिकट हो गई, नामी आइलैंड जाएंगे उसकी एंट्री टिकट हो गई, पिकअप ड्रॉप हो गया हमारे होंगदे इलाके से, सारा ही चीज़ें इंक्लूडेड है इस डे टूर में जो मैंने बुक करा है मात्र 3,400 रुपये में, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मतलब काफ़ी चीप डील लगी थी ये ग्रुप टूर, जिसके कारण मैंने बुक कर लिया। इनफैक्ट इसकी मैं लिंक आपको पिन कमेंट में दे देता हूँ, ताकि कि अगर आपको भी सोल में होकर एक दिन डे टूर करना है ना, यहाँ पे जरूर आप कर सकते हो मात्र 3,500 रुपीज के अंदर अंदर, जिसमें सारा ही चीजें इंक्लूडेड है। वैसे यहाँ पहुंचने के लिए सोल से लग जाते 2 घंटे, गूगल मैप्स के हिसाब से 60 किलोमीटर बताता है, लेकिन ऊपर नीचे ही है, बिकॉज गूगल मैप्स यहाँ पे बराबर काम नहीं करता है पूरे कोरिया में, जिसके कारण आपको काकाओ मैप्स ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ऐप स्टोर वगैरह से। और अगर रास्ते की बात करूँ तो क्या ही करूँ, मतलब पहाड़, पेड़ पौधे तो दिख ही रहते, साथ में सैमसंग की बड़ी बड़ी इमारतें, मतलब 113-114 मैंने जहां तक नंबर पढ़ा था 114 बिल्डिंग है एक साथ सैमसंग की। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि सैमसंग फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह तो बनाता ही बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी है, यहाँ पे ट्रैक्टर, जेसीबी की खुदाई, जेसीबी की मशीनें वगैरह बहुत चीजें बनाता है। और आप देख लो ये बोटेनिकल गार्डन कितना शानदार है, जैसे जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ ना, ओए होए दिल खुश हो रहा है, सच कह रहा हूँ। फोटो विथ मी और श्योर वाई नॉट, अरे अरे बच्ची खुश हो गई, यू ऑल्सो वॉन्ट, ओके बेटा। ओ थैंक यू, व्हाट्स योर नेम? रूबी। हाँ रूबी, अरे अरे इतनी बच्ची खुश हो गई है। व्हाट्स योर नेम बेटा? स्टारलेट, रूबी एंड स्टारलेट। Your Hannah. Nice to meet you. Yeah. Oh my God. Hi. Hello. कुछ लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगता है ना, स्पेशली हाय हाय हाय।
कुछ लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चे, ओए होए दिल खुश हो जाता है, सच कह रहा हूँ। वो जो बच्चे आती ना रूबी और स्कारलेट, स्पेशली रूबी, ओए होए इतनी एक्साइटेड हो गई कि अरे बाप रे आप इतने बड़े यूट्यूबर, मेरा तो दिन बन गया, मेरी तो ट्रिप सवार गई है। So, ये भाई पुराना ट्रेडिशनल घर है कोरिया का जी, देख लो कोरियन ट्रेडिशनल घर ऐसे कुछ होते थे। पूरे इस गार्डन में ये एकमात्र ही घर है, सामने एक तालाब है वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये घर देख लो आप कितना ह्यूज है। और जापान में भी ऐसे ही घर होते थे लेकिन टाटामी बिछाई जाती थी, टाटामी मतलब आप कारपेट बोल सकते हो। नमस्ते। इट इज एक्चुअली वेरी कलरफुल ऑल्सो, ये छोटे छोटे घर बनाए हुए कितने मस्त है ना, मतलब बच्चे तो खुश हो जाएंगे। ये देखो एक इधर है एक उधर है आणि एक तिकड़े आए है, रंग बिरंगी जी कलरफुल। आपको पता है बचपन में सबसे बड़ी मेरी फैंटेसी क्या थी, आप चौंक जाओगे लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि काश मेरे पास ऐसे टॉय ट्रेन का पूरा सेट हो, वो भी एस्थेटिक लुक वाला, मतलब यू नो लोखंड की पटरियाँ हो, आजू बाजू छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हो और ऊपर से ट्रेनें जाए, मतलब मैं सपने में भी सोचता था। ठीक है बच्चों को तो पसंद है ही है ये टॉय ट्रेन वगैरह, लेकिन मैं सपनों में भी इसी के बारे में सोचता था, कई महीनों तक जिद करता था पेरेंट्स के साथ, तब जाके मेरे को एक बार याद है कि प्लास्टिक की टॉय ट्रेन दिलाई गई थी, क्योंकि उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वही बात है। लेकिन ये देख लो आज इसको देख कर ना मेरे को मेरा बचपन याद आ गया कि कैसे मुझे ये इतना प्यारा था ये पूरा कॉन्सेप्ट। वैसे उम्र के साथ साथ ना फैंटेसी भी चेंज होती जाती है, पहले ट्रेन की थी फिर प्लेन की हो गई फिर अभी मतलब होती जाती है चेंजेस। चलो भाई साहब बहुत घूम लिए इस गार्डन को, चले जाते हैं बैक टू बस जहाँ पे पार्क है ना, क्योंकि क्या है ना 12 बजे का मोहतरमा ने टाइम दिया था जी गाइड मोहतरमा ने, अब बजे है 11:55, 5 मिनट में अपन पहुंच जाते ताकि के बस हमको छोड़ के आगे की तरफ ना चली जाए। ये हमारी गाइड मोहतरमा आज की, जिनका नाम है नारी, नारी मीन्स लेडी हाँ इन इंडिया, हाँ इनका पूरा नाम है नारी नाम, मैंने बोला नाम का मतलब नेम, नारी का मतलब लेडी, जोरदार। हाउ डू यू से इन नमस्ते, नमस्ते हाँ नमस्ते। प्रतीक 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 या प्रतीक हाँ, अरे जोरदार है यार पूरी बाइक मंडली, हाँ बाइकर गैंग। इज दिस इंडियन रिटर्न? भाई साहब बाइक तो इंडियन नहीं है लेकिन बंदे ने इंडियन लिखा है हर जगह, इंडियन इंडियन आगे भी इंडियन, इंडियन मोटर साइकिल जोरदार है भाई। ओ दिस इज हार्ली डेविडसन, अच्छा हाँ ये हार्ली डेविडसन है, और ये क्या ये भी हार्ली डेविडसन है, एंड दिस इज इंडियन नमी आईलैंड इमिग्रेशन नमी नारा रिपब्लिक एंट्री वीजा, अरे वाह क्या बात है। एक छोटा सा प्यारा सा नदी के बीच में आईलैंड है ना, तो यहाँ जाने के लिए इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक होगा, मतलब बहुत फनी है। टिकट फेयर की बात करूँ तो मेरे को नहीं पता 1000 रुपये के आसपास होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर 3500 में पूरा टूर इंक्लूडेड है तो इसका 1000 रुपया टिकट होगा, जो कि हमारी गाइड मोहतरमा ने ऑलरेडी ले रखी है। और ये देख लो नदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फेरी पकड़ने का और फिर जाने का वो सामने वाला नमी आइलैंड पे। क्या भाव बोलते तो पासपोर्ट लेके आता, थप्पा लग जाता इमिग्रेशन का। अजी पासपोर्ट पे ना सही, हमारे एक्सपीरियंसिस पे तो थप्पा लगते जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये देखो फेरी, इस हिसाब से 400 लोग को लेके जाती है एक फेरी। इंडिया का खाना वेरी टेस्टी ऑलवेज। तो
तो अभी गाइड मोहतरमा ने कहा कि आपके पास 2 घंटा है, घूमो फिरो, जो करना है करो, मजे करो और पहुंच जाना वापस जहाँ से फेरिया छूटती है। 2 घंटे बाद ठीक वहीं पे मिलना है सबको और बैक टू हो जाना है बस की तरफ फेरी पकड़ के। 2 घंटा अपन घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, एनिमल्स को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिच पोस्ट्रिच सब कुछ है। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह पे फोटो भी खिंचाएंगे जो कि मैंने शुरुआत कर दी है यहाँ ट्रीज के बीच में खड़े होकर। जी इंडिया। इन कोरिया टू एक्सप्लोर टू सी ब्यूटिफुल प्लेसेस, देन आई विल गो टू जापान। देश चाहे महंगा हो कि सस्ता हो, कुछ कुछ एक्टिविटीज आपको आपके बजट में मिली जाती है। मतलब ये स्काई बाइसाइकिल ही देख लो कितने की है पता है, 3,000 won यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 200 रुपया। तकरीबन 200 रुपए में आप मस्त ये 10 मिनट की साइकिल चला सकते हो, वो भी आसमान में। मतलब इतना आसमान में नहीं, समझ जाओ बात को, है ना। मेरे को भी दो यार, ऐसे अकेले अकेले सब मत लो। अरे वाह, गया गया गया। इधर चीजें बहुत है यहाँ करने को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो यहाँ पे वीगन या वेजिटेरियन खाना कुछ मिलेगा नहीं, सब जगह सिर्फ, क्या हो गया बेटा, सब जगह नॉन वेज ही मिलता है जी। उसको भी बुरा लग गया इस बात पे। एनीवेज मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सुपर मार्केट मिल जाएगी जहाँ पे आप कुछ नाश्ता हल्का फुल्का ले सकते हो या फिर दूध वगैरह ले सकते हो। ओरिजिनल, चलो ओरिजिनल वाला पीते हैं। अच्छा 1350, ठीक है। या दिस इज के ड्रामा। ये देखो के ड्रामा के काफी शूट्स यहाँ पे हुए हैं नामी आइलैंड में। बेसिकली इसी लोकेशन पे हुए हैं। जब ठंड होती है ना तब मस्त स्प्रिंग या फिर ऑटम आप बोल सकते हो, कलर्स बदल जाते हैं पेड़ों के, जिसके कारण इतने खूबसूरत से झाड़ हो जाते हैं हर जगह। आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ फिलीपींस। फ्यू डेज अगो आई वॉज इन फिलीपींस। मी ऑल्सो बिकॉज यू लिव इन फिलीपींस। इन मनीला। I was in Manila, Makati, Cebu, Bohol. Wow, I have never been to Bohol. Oh, Bohol is beautiful. Yes, I know. I want to go there maybe soon. Yeah, of course. You live in Manila, you can go anytime. Yeah, anytime. ये लगता है कोई तो K drama shoot का famous रहेगा ये position। हाँ आ जाओ। हाँ कोई रहेगा famous तो जिसके वजह से स्टैचू लगा दिया है। और यहाँ की मेरे को एक बात अच्छी लगी कि जगह जगह पे ना ऐसे छोटे छोटे मिनिएचर्स या फिर बड़े बड़े स्टैचूस बनाए गए हैं, जो दर्शाता है कि बच्चों को मॉम्स मिल्क बचपन में कितना इम्पोर्टेंट होता है। और मैं इसको एज अ गुड मैसेज समझता हूँ। बहुत सारी क्वान्टिटीज में आपको छोटे छोटे मिनिएचर्स ये फॉर्म में देखने मिल जाएंगे। नसीब इतना तेज कि अभी यहाँ से ही निकला हूँ और जस्ट यहाँ पे पहुँचा। यू वोंट बिलीव, ये बड़ा सा बाम्बू है ना, ये अब भी ऊपर से गिरा है। मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ सेकंड की बात होती है। अगर 2-3 सेकंड भी लेट आता हो सकता है मेरे इर्द गिर्द या फिर मेरे कंधे पे या फिर कहीं पे भी बाम्बू लग सकता था। और जैसे ही मैं आगे आया, मैंने आवाज़ सुनी पीछे, मैंने सोचा कि भाई साहब जोरदार, भाई जोरदार, क्या लंबा चौड़ा, मेरे हाइट जितना 6 फीट ऑस्ट्रिच है देख लो, और 2 ऑस्ट्रिच है, एक ये रहा एक ये रहा। ए भाई चोच वोच मारना मत, पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ मेरे को डर लगता है। क्या देख रहा है भाई ऐसे टुकुर टुकुर। I was wondering the ostrich ears. Ears. Yeah. हाँ, they're holes. Do you think they're ears? I don't know. Yeah. The holes are ears only, ना? Oh. उधर से ही तो सुनता है वो. Oh. You from? England. Which place in England? I am from Wales, England border. Oh. But I lived in London. Ah, अच्छा अच्छा अच्छा. Yes. And I'm from London. You're from London. Yeah, from London. Yeah. Where are you from? I'm from India. Ah, okay. Mumbai. Mumbai. Yes, yes, yes. Do you like anime? Huh? Do you like anime? Yeah, of course. I'm going to Japan after Korea. Oh, wow.
ओ तेरी भाई साहब, ये कोरिया में जोरदार लगता है, चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, इनफैक्ट ये छोटे छोटे आइलैंड भी हो, ऐसे फोटो बूथ तो आपको हर जगह मिलेगा नो मैटर साइज क्या है। अभी यहाँ पे देख लो, छोटे छोटे केबिन बना के रखे हैं, वहाँ पे भी फोटो बूथ है जहाँ पे प्रॉप्स भी रहते हैं और अंदर आप फोटो भी खिंचा सकते हो। मतलब ये धंधा तो इनका हर टाइम हर जगह चलते ही रहता है। और इनफैक्ट अगर प्रॉप्स की बात करूँ ना, तो किसी मोहतरमा ने अपने बाल भी छोड़ दिए ताकि कि अगर बाल लगाने हो किसी को तो ये बाल लगा सकते हैं। ठीक है, अपना काम नहीं है ये सब, चलो चले जाते हैं बाहर। इसका कारण ये है ना, क्योंकि ये आ गए हम फेरी टर्मिनल पे वापस, फेरी पोर्ट पे जी, पियर पे, ताकि के अभी 10 मिनट बाद यहाँ से फेरी पकड़ के वापस चले जाएंगे जहाँ पे हमारी मिनी बस पार्क्ड है, और फिर वहाँ से बैक टू होंगडे जी। क्योंकि आज का डे टूर यही पे समाप्त हो जाता है। इस डे टूर का खर्चा मैंने आपको बता ही दिया है, 3,500 से भी कम होता है, और जिसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे रखा हूँ। जब भी आप कोरिया प्लान करो सोल में हो, तो एक दिन जरूर यहाँ पे बिता सकते हो, बहुत मजा आएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठंड में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद तो इस वीडियो में भी आपको मजा आया ही होगा, तो लाइक करके जरूर जाना। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।